हेलो फ्रेंड्स, सॉरी एनी दिन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ ही स्टेप का कार्टून फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से सिखाने वाले हैं आप सबको। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इन तक देखने के बाद ही आप सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने की लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना इस नए वीडियो देखने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेन एडिट, वहाँ पर भी जाकर आप सब फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस तरह का फोटो एडिटिंग के लिए हमें पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, गाइस मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर दूँ, देन गाइस मॉडल का जो पिक्चर है उसको मैं ओपन कर दिया। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इफेक्ट पर हमें क्लिक कर देना है सिंपली। तो गाइस, इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर हमें मैजिक वाला जो टूल्स है उसको हमें चाहिए, देन गाइस हमारा जो मोबाइल का डाटा है उसको हमें इनेबल कर देना है, नहीं तो ये इफेक्ट नहीं काम करेगा। ओके, तो गाइस आप सब भी इस तरह से कर लेना। देन गाइस, यहाँ पर हमें मैजिक वाला टूल्स पर हमें एक इफेक्ट चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं सिंट ऑफ येलो जो इफेक्ट है उसको हमें चाहिए। तो गाइस, इसे क्लिक कर देने के बाद हमारे चेयर के ऊपर येलो टोन आ जाएगा। तो गाइस, येलो टोन हटाने के लिए इस वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है। तो गाइस, इस वाला आइकन पर टैप कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, गाइस येलो टोन हट गया है हमारा चेयर के ऊपर से। तो गाइस, अब हमें पिक्चर को डन कर देना है। तो गाइस, डन कर देने के बाद अब हमें फिर से जाना है इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर हमें बैड लाइन्स पर हमें क्लिक कर देना है। ओके, तो गाइस बैड लाइन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, गाइस चेहरे के ऊपर रेड टोन आ गए। तो सिंपली ये वाला जो आइकन है, ये वाला आइकन पर क्लिक करने से हमारा जो फेस का रेड टोन है वो हट जाएगा और इसका फेड को हम इतना से रख देंगे। तो गाइस, आप सब भी इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट कर लेना। देन गाइस, यहाँ पर हमें फिर से जाना है इफेक्ट पर, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा डार्क टोन ले आऊँगा, इसलिए हमें इफेक्ट पर जाना है। देन गाइस, यहाँ पर मूल लाइट जो इफेक्ट है उसको हमें क्लिक कर देना है। तो गाइस, क्लिक कर देने के बाद इस टोन को हटाने के लिए वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है। देन गाइस, इसका जो फेड है, फेड को हम इतना से रख देंगे। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, गाइस अब ठीक ठाक लग रहा है। तो गाइस, आप सब भी इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना लाइट को। तो गाइस, पिक्चर को डन कर देना है। तो गाइस, डन कर देने के बाद अब हमें जाना है टूल्स पर। ओके, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कॉन्टेस्ट पर बढ़ाना है। तो गाइस, एडजस्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें इसका जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, और इसका कॉन्टेस्ट जो है, कॉन्टेस्ट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हो, गाइस अब हमारे चेहरे के ऊपर कार्टून टोन आ गया है। तो गाइस, अब हमें हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हमें चेंज कर देना है। तो गाइस, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हमें ऐड फोटो पर यूज़ करूँगा। तो गाइस, ऐड फोटो पर आ जाने के बाद यहाँ पर हमें बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वो पर जाकर से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो गाइस इस वाले आइकन पर हमें टैप कर देना है, इरेजर वाले आइकन पर। देन गाइस, यहाँ पर इन्वर्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर इन्वर्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ब्रश को हमें चूज कर लेना है, और इसका साइज को अपने मुताबिक रख देंगे। देन गाइस, हार्डनेस को इतना इतना रख देंगे। देन गाइस, इस तरह से हमें ब्रश कर लेना है अपने मॉडल के बैकग्राउंड के ऊपर। तो गाइस, देख सकते हो, ब्रश करने से हमारा जो बैकग्राउंड था वो कितना ईजी तरीके से चेंज हो रहा है। तो गाइस, आप सब भी इस तरह से कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके है। तो गाइस, धीरे धीरे करना, नहीं तो ठीक ठाक नहीं लगेगा। तो और मैं वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, और अभी अभी जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो फटाफट। ओके, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, गाइस मैं बैकग्राउंड को चेंज कर दिया हूँ। तो चेंज करने के बाद अब हमें पिक्चर को डन कर देना है। तो गाइस, डन कर देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉडल का जो ये वाला जो वेक्टर आर्ट बनाए हो वो हमें सेव करना है। तो गाइस, सेव करने के लिए मैं ड्रॉ टूल्स का यूज़ करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एच डी क्वालिटी में फोटो सेव होता है। तो गाइस, यहाँ पर हमें थ्री डॉट वाले आइकन पर हमें टैप कर देना है।
तो इस टैप कर देने के बाद यहाँ पर हमें सेव इमेज पर क्लिक कर देना तो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने का लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना ऐसे नए वीडियो देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी रियन एडिट ओवर भी जाकर सब फॉलो कर लेना।